किसान नेता एवं किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल गुना दौरे के दौरान रास्ते के दर्जनों गांवों में किसानों को नए कृषि बिलों के फायदे और किसानों के हित में लिए गए फैसलों की जानकारी देने के लिए रुके। कृषि मंत्री अचानक जिस गांव में पहुंचते वहीं ग्रामीणों की भीड़ जमा हो जाती। किसानों ने इस दौरान अपनी समस्याओं को लेकर भी चर्चा की, जिसके यथाशीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया गया। किसानों ने कृषि मंत्री का स्वागत भी किया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने भोपाल से गुना तक कई जगह किसानों को संबोधित किया। पटेल ने ग्रामीणों को खड़ा देखकर जगह जगह अपनी गाड़ी रुकवाई और उनके बीच पहुंचकर उनसे वार्तालाप किया। कृषि मंत्री के आने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो जाते थे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने उन्हें कृषि बिलों से होने वाले लाभ की जानकारी दी। किसानों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के बारे में बताया, जिससे उन्हें अपने कब्जे वाली जमीन के स्वामित्व के दस्तावेज दिए जाने हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि बारिश में क्षतिग्रस्त हुई फसलों के मुआवजे की राशि का वितरण किया गया है, लेकिन अभी और राहत दी जाएगी। किसानों को फसल बीमा की राशि का वितरण भी किया जाएगा। कृषि मंत्री को अपने बीच पाकर किसान खासे उत्साहित दिखे। किसानों ने इसके बाद कृषि बिलों को लेकर भरोसा जताया। रास्ते में जहाँ भी आबादी वाला हिस्सा आया, कृषि मंत्री वहाँ न केवल रुके बल्कि ग्रामीणों को एकत्रित कर कृषि बिल और अन्य किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी दी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस दौरान फसलों के सर्वेक्षण सहित खसरा खतौनी की नकल को लेकर किसानों की समस्याओं को सुना और उसके हर संभव निराकरण का भरोसा दिलाया। 20 में मिल जाना था स्टार्टिंग में, ये 20 मार्च तक रहे, लेकिन नहीं दिया। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, 8 दिन के अंदर हमने 2200 करोड़ रुपए किसानों की ओर से जमा किया। क्यों किया आपको पता है? आपके तो हमने बीमा प्रीमियम जमा किया, आप करते हो 2 रुपये 100 रुपये में, हम करते हैं उसमें 13 रुपये मिलाते हैं आपकी तरफ से किसानों के साथ। 6.5 रुपये प्रदेश सरकार और 6.5 रुपये केंद्र सरकार मोदी जी और शिवराज जी, तब जाकर आपको इतना बीमा मिला है। कितना? 703 करोड़ पूरे मध्य प्रदेश को, 4500 करोड़। फिर मैं चूँकि किसान हूँ, मुझे मालूम है कि क्या क्या गड़बड़ियाँ होती, इसलिए मैंने हर सप्ताह बैठक बुलाता हूँ बैंक वालों की और बीमा वालों की, और उसके बाद मैं उनको निर्देश देता हूँ कि हम छूट गए करो। तो जहाँ 4500 करोड़ थे उनको अभी तक हम 5488 करोड़। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।